और एक बड़ी खबर है, रूस ने अपने अटैक को और ज्यादा अग्रेसिव बनाया है। हमले में रूस ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मिसाइल अटैक में यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई है। रूस ने यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में यह मिसाइल अटैक किया है। युद्ध के 39 दिन हो चुके हैं, जंग भीषण रूप ले चुकी है। रूस एक एक करके यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर रहा है। अपने अटैक को और ज्यादा एग्रेसिव बनाते हुए रूस ने यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। रूसी सेना ने मिसाइल अटैक करके यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। रूस ने ये मिसाइल अटैक यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में किया। सेंट्रल यूक्रेन में क्रेमेंचुक वहाँ का काफी बड़ा और महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल शहर है। इसके औद्योगिक महत्व को देखते हुए रूस ने यहाँ बड़ा हमला किया। 1 अप्रैल को ये हमला किया गया था। मिसाइल से हमले की ड्रोन फुटेज बाद में सामने आई। मिसाइल अटैक के तुरंत बाद ही ऑयल रिफाइनरी में तेज धमाका हुआ। आग के गोले बम की तरह फटने लगे, लपटे आसमान को छूने लगी। कुछ ही पलों में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। क्रेमेंचुक की ये ऑयल रिफाइनरी रूस के लिए बड़ी मात्रा में तेल रिफाइन करती है। इस रिफाइनरी की क्षमता सालाना 8.6 मिलियन टन तेल रिफाइन करने की है। और फॉर जोन से इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। रूस 9 मई को कर सकता है यूक्रेन पर जीत का ऐलान। रूसी फौज ने पूर्वोत्तर यूक्रेन में जमावड़ा बढ़ा दिया है। डोनबास में दुरुस्त है रूसी फौज की सप्लाई लाइन। रूसी फौज ने पूर्वोत्तर यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन पर अभी ना तो मिसाइलों और रॉकेटों की मार रुकने वाली है, ना बमों की बरसात थमने वाली है, क्योंकि पुतिन की आर्मी ने जेलेंस्की के मुलाकात की तबाही की नई टाइमलाइन फिक्स कर दी है। यूक्रेन की तबाही की ये कहानी रूस की आर्मी मई तक इसी तरह लिखती रहेगी। यूक्रेन मई के महीने तक इसी तरह खून के आंसू रोता रहेगा, ये दावा किया है अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने। CNN ने अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है कि रूस 9 मई को यूक्रेन पर जीत का ऐलान कर सकता है। अमेरिकी मीडिया हाउस का दावा है कि कीव पर कब्जे में अपनी सेना की नाकामी से पुतिन दबाव में है, इसलिए उन्होंने यूक्रेन में युद्ध को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। अब पुतिन आर्मी ने 2 कदम पीछे हटकर यूक्रेन के पूर्वोत्तरी हिस्से को अपना एक्शन सेंटर बना दिया है। दरअसल ये इलाका रूस की सीमा के करीब है और डोनबास के उस बड़े हिस्से को कवर करता है जिस पर रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है। यही वजह है कि यहाँ से अपनी फौज तक मदद पहुँचाना रूस के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। रूसी फौज को सबसे ज्यादा नुकसान सप्लाई लाइन की तबाही के चलते उठाना पड़ा, लेकिन लगता है पुतिन ने अब इस मुश्किल का हल खोज लिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।